Hello. How have they done? How many of you? 13. They're all alive. 13! Brilliant! These boys are never coming out. Never. थाईलैंड में बच्चों के एक फुटबॉल टीम ने अपने साथी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक अलग ही लेवल का एडवेंचर प्लान किया। इस फुटबॉल टीम की 12 बच्चे जिनकी उम्र 12 से 16 साल की थी, उन्होंने अपने 25 साल कोच के साथ इस एडवेंचर को प्लान किया। 10 किलोमीटर तक फैली हुई और 85 मीटर तक गहरी ये केव थाईलैंड के नॉर्थ में लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर मौजूद है। इन बच्चों के लिए इस गार के अंदर जाना तो बेशक ही एडवेंचरस था, लेकिन ये एडवेंचर इन बच्चों की जिंदगी में एक खौफनाक तरीन एडवेंचर होने जा रहा था। इसका अंदाजा किसी भी शख्स को नहीं था। वेलकम बैक टू मेगा मूवीज एक्सप्लेन्ड 13 लाइव्स। कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ बच्चों को एक ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं। इनके साथ यहाँ पर इनका कोच भी होता है जो कि इनको फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रहा होता है। गेम खत्म करने के बाद ये लोग इस ग्राउंड में ही एक शॉप के पास जाते हैं और वहाँ पे ये सारे बच्चे इकट्ठे होकर बातें करने लगते हैं। इन्हीं बच्चों में से एक बच्चे का जन्मदिन होता है, मतलब कि बर्थडे होता है। ये बच्चे शाम को अपने साथी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले होते हैं। तभी इन बच्चों में से एक बच्चे के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो इन सब को थाम लॉन्ग केव के अंदर जाने के बारे में बताता है। वो ये भी कहता है कि मेरे पास टॉर्चेस है तो हमें अंधेरे में डरने की जरूरत नहीं होगी। ये लड़के अपने कोच को भी इस प्लान में शामिल करते हैं और इसके बाद ये उस केव की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन इन बच्चों में से एक बच्चा वहां जाने के लिए मना कर देता है तो कोच उसे अलविदा कर माँ से चला जाता है। रास्ते में ये बच्चे हंसते खेलते हुए अपनी बाइसिकल चलाते हुए उस केव की तरफ बढ़ने लगते हैं। केव के पास पहुँचने के बाद उस केव के बाहर एक स्लीपिंग प्रिंसेस नाम की एक गॉडेस या देवी कहो उसकी मूर्ति बनी होती है। सभी बच्चे और कोच इस देवी का नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। केव के बाहर अपनी सारी साइकिल्स रख के वो अंदर केव की तरफ जाते हैं। इस केव के अंदर जाना तो आसान था, लेकिन इन बच्चों को ये नहीं पता था कि जितना आसान अंदर जाना है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल बाहर आना है। ये केव 10 किलोमीटर तक फैली हुई थी और उसके अंदर बहुत ही तंग रास्ते थे, जिन रास्तों से मुश्किल से ही एक आदमी गुजर सकता है। ये केव लाइमस्टोन के बड़े पत्थरों से बनी थी और लाइमस्टोन बड़ा शार्प होता है। केव के अंदर जाते ही इन बच्चों को बाहर के हालात का कोई खबर नहीं थी। तभी बाहर का मौसम खराब होता है और बाहर बारिश शुरू होने लगती है। दूसरी तरफ बच्चे केव के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ बाहर से बारिश तेज होती जा रही थी। बारिश तेज होने के साथ साथ ही इस केव के अंदर बारिश का पानी भरने लगता है, मतलब कि बारिश का पानी इस केव के अंदर आने लगता है। वक्त बीत जाता है और शाम हो जाती है। दूसरी तरफ बच्चों के सभी माता पिता एक जगह जमा होते हैं। ये सभी पेरेंट्स उस बर्थडे बॉय का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह जमा होते हैं। ये माता पिता अपने बच्चों की गैर हाजिरी देखकर इनके बारे में चिंतित होते हैं। तो तभी इनमें से वही लड़का इनको दूसरे बच्चों के बारे में बताता है जिसको कि कोच ने आखिर में अलविदा कहा था, और वो इन्हें बताता है कि वो केव में गए हैं। इसके बाद सभी पेरेंट्स परेशान होकर केव की तरफ बढ़ने लगते हैं। केव के पास पहुंचने के बाद ये सब देखते हैं कि बच्चों की बाइसिकल्स तो केव के बाहर खड़ी है, लेकिन बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे और इस केव के अंदर बहुत पानी जमा ऑलरेडी हो चुका था, मतलब कि जो केव के अंदर रास्ता जाता है वो पानी से पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। इन बच्चों के पेरेंट्स यहाँ की गवर्नमेंट से मदद लेती है। कुछ देर के बाद यहाँ के गवर्नर इस जगह पर पहुंच जाते हैं। जगह पर ऑलरेडी लोकल मिलिट्री टीम, फायर फाइटर्स और पुलिस यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुकी होती है। यहाँ पर एक सैम नाम का एक आदमी होता है जो कि इस गुफा के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि उसने इस गुफा को बहुत सालों से स्टडी किया होता है। इस शख्स का नाम होता है वर्न अन्सवर्थ। ये गवर्नर यहाँ के कैप्टन, जो आर्मी के कैप्टन होते हैं, उनसे मिलते हैं और इनका नाम होता है आर्नोल्ड सुरीवोंग। ये नेवी सील्स के कैप्टन होते हैं। जो वर्न होते हैं वो गवर्नर को बताते हैं कि तंग रास्तों के साथ साथ इस केव में कुछ बड़े चेंबर्स भी मौजूद हैं। A real squeeze. There's some big chambers too. इसके बाद जो नेवी सील्स के स्कूबा डाइवर्स होते हैं ये इस गुफा के अंदर चले जाते हैं ताकि वो बच्चों को ढूंढ सके। ये नेवी डाइवर्स अपने साथ एक लाइन लेते हैं, मतलब एक रस्सी लेते हैं और इसको एंट्री के छोर के साथ बांध देते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ से जो गवर्नर होते हैं उनके पास कुछ रिपोर्टर्स आते हैं और गवर्नर उनको कहते हैं कि ये गुफा बहुत गहरी है, ये कई किलोमीटर तक फैली हुई है और इस गुफा के अंदर बहुत तंग रास्ते भी हैं। अगर वो लड़के इस गुफा के बहुत अंदर गए होंगे तो हमें उन्हें ढूंढने में कुछ घंटों का टाइम लग सकता है।
वो अपनी नेवी सील्स की तारीफ करते हुए अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। नेवी सील्स के स्कूबा डाइवर्स इस गुफा में बहुत टाइम से गए होते हैं। इसके बाद सुबह के 5 बज जाते हैं और सभी पेरेंट्स इस गुफा के अंदर अपने बच्चों का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं और जो नेवी सील्स वो बहुत टाइम से अंदर गए होते हैं। इसके बाद नेवी के सील्स आ जाते हैं और वो बहुत ही जख्मी होते हैं और वो कहते हैं कि हम बच्चों को ढूंढने में नाकामयाब हुए हैं। सील्स की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि इस गुफा के अंदर उन्होंने एक सैलाब का सामना किया होता है। इस गुफा के अंदर पानी बहुत तेजी से जा रहा होता है जिसकी वजह से पानी की जो रफ्तार होती है वो बहुत तेज होती है। ये सब देखकर सारे पेरेंट्स के चेहरे पर उदासी छा जाती है। वो बहुत ही उदास होते हैं क्योंकि इनके बच्चे कल रात से गायब होते हैं और इनको ये भी नहीं पता होता है कि वो जिंदा है या नहीं। इसके बाद 2 दिन गुजर जाते हैं और 2 दिन से वो बच्चे इस केव के अंदर फंसे होते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने करीबन 100 से ज्यादा बचाव कर्मी एजेंसीज को स्टार्ट किया होता है ताकि वो इन 12 बच्चों को इस केव से बाहर सही सलामत ला सके। इनके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे वॉलंटियर्स भी होते हैं जो कि इन बच्चों को बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर यहाँ के मिनिस्टर आते हैं और वो गवर्नर से इस बचाव अभियान के बारे में रिपोर्ट्स मांगते हैं। तो गवर्नर उन्हें कहता है कि हमने पानी को बाहर निकालने का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है और इन्होंने पानी को बाहर निकालने के लिए इस एरिया के बड़े बड़े पंप्स को ऑलरेडी मंगवाया है। गवर्नर ये भी कहता है कि अभी तक हमारे डाइवर्स बच्चों को ढूंढने में असफल हुए हैं क्योंकि इस गुफा के अंदर पानी बहुत ऊंचा चला गया है। तो मिनिस्टर इन्हें कहता है कि तुमने अभी तक बच्चों को नहीं ढूंढा और तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। ये गवर्नर अगले हफ्ते यहां से ट्रांसफर होने वाला होता है लेकिन ये मिनिस्टर उन्हें यहीं रहने को कहता है जब तक कि ये सारा कुछ ठीक ना हो। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो सारी जिम्मेदारी इस गवर्नर पे आ जाए। गुफा के अंदर बहुत तेजी से पंपिंग का काम चल रहा होता है। यहीं पे एक लड़का जो कि इस सारी सिचुएशन को देख रहा होता है वो यहीं पास के गांव में जाकर एक बूढ़े आदमी से मिलता है तो वो उसे कहता है कि मुझे यहां के लोगों ने बताया है कि तुम इस पहाड़ को अच्छी तरीके से जानते हो। तो ये लड़का उन्हें कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि इस गार के अंदर सैलाब आया है और इस केव के अंदर कुछ बच्चे भी फंसे हुए हैं। तो ये बूढ़ा आदमी ने कहता है कि आप कौन हो। तो ये जवाब देता है कि मेरा नाम है थैनेट नतीश्री, मैं बैंकॉक में रहता हूँ और मैं एक वाटर इंजीनियर हूँ। तो ये लड़का इससे कहता है कि जो बारिश का पानी है वो ऊपर से इस गुफा के अंदर जा रहा है ना कि नीचे से और हमें उस पानी को अंदर जाने से रोकना होगा और मुझे इस पहाड़ के सारे सिंक होल्स यानी कि उन सभी रास्तों को बंद करना होगा या तो उन्हें डाइवर्ट करना होगा जिन रास्तों से इस गुफा के अंदर पानी जा रहा है। ये बूढ़ा आदमी मान जाता है और उसे इस पहाड़ के ऊपर लेके जाता है। ये बूढ़ा आदमी इसे एक होल दिखाता है मतलब एक सिंक होल दिखाता है जहाँ से पानी इस गुफा के अंदर जा रहा होता है और वो ये भी कहता है कि मैं ऐसे बहुत सारे होल्स जानता हूँ। इन सिंक होल से गुफा के अंदर बहुत तेजी से पानी जा रहा होता है। इसके बाद 5 दिन गुजर जाते हैं और डेट होता है 27 जून। हमें कोवेंट्री इंग्लैंड में दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी होता है जो कि अपनी सामान के साथ कुछ कर रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आती है तो वो उसे कहता है कि हाँ जॉन बताओ। तो जॉन कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि थाईलैंड में क्या हो रहा है। तो वो उसे बताता है कि कुछ बच्चे गुफा के अंदर फंसे हुए हैं। तो रिक उसे बताता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता है। तो रिक उसे कहता है कि वो बच्चे इस गुफा के अंदर कैसे गए। तो जॉन कहता है कि मुझे नहीं पता। तो जॉन उसे कहता है कि थाई गवर्नमेंट ने रेस्क्यू डाइवर्स की एक लिस्ट निकाली है। तो वो उसे कहता है कि हमारा नाम भी उस लिस्ट में मौजूद है। तो निक उसे बताता है कि ये कौन सा केव है। इसके बाद निक इसके बारे में सर्च करता है और देखता है कि ये तो सिर्फ एक टूरिस्ट केव है और ये दिखने में बहुत आसान है। तो जॉन उसे कहता है कि हाँ ये दिखने में आसान है लेकिन वर्न ने कहा है कि जब इसमें पानी भरता है तो ये बहुत मुश्किल है। तो निक उसे कहता है कि मुश्किल वर्न के लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं। तो जॉन उसे कहता है कि अगर तुम नहीं आना चाहते तो मैं जेसन को वहां आने के लिए कह सकता हूँ। तो निक कहता है कि ठीक है तुम जेसन को अपने साथ ले सकते हो। तो रिक उसे कहता है कि हमें तो वहां जाने के बारे में कोई खबर नहीं मिली। तो जॉन कहता है कि नहीं, वर्न ने उनको हमारा नाम दे दिया है और वो सभी को बुला रहे हैं। इस रेस्क्यू मिशन में बहुत सारे वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया होता है और यहाँ पे वॉलंटियर्स चाइना, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलिया से भी आए होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जॉन एंड रिक पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद इन्हें एक कमरे में रखा जाता है। ये लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जिस काम के लिए आए होते हैं उस काम को खत्म करके यहाँ से चले जाना चाहते हैं। ये लोग अपना डाइविंग सूट पहन के केव की तरफ जाने लगते हैं। केव में अंदर जाने के बाद इन्हें रोका जाता है लेकिन तभी यहाँ पर एक नेवी का जवान आता है और वो इन्हें कहता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो रिक उसे कहता है कि मेरा नाम रिक स्टैंटन है और इनका नाम जॉन वेलिंगटन है, हम इंग्लैंड से आए हैं और हमें यहाँ पे थाई गवर्नमेंट
हेलमेट ने हेल्प के लिए बुलाया है। तभी यहाँ पे वर्न आता है और तभी यहाँ पे आर्मी के चीफ भी आते हैं। तो वर्न ने कहता है कि यही वो बंदे हैं जिनके बारे में हमने गवर्नर से बात की थी। जो यहाँ पे आर्मी का जवान होता है वो कैप्टन से कहता है कि ये लोग बेवकूफ हैं और अगर ये इस केव के अंदर जाएंगे तो ये लोग इस केव के अंदर जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन वर्न उन्हें कहता है कि ये केव रेस्क्यूअर्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। मैंने गवर्नर को इन दोनों के बारे में कहा है क्योंकि सिर्फ ये दो लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तभी आर्मी के चीफ कहता है कि अगर गवर्नर ने तुम लोगों के बारे में पूछा है तो तुम लोग अंदर जा सकते हो, मतलब कि केव के अंदर डाइव कर सकते हो। इस केव के अंदर जो भी कर्मचारी होते हैं वो चैम्बर 3 के अंदर होते हैं और चैम्बर 3 800 मीटर एंट्री से दूर होता है। इसके बाद रिक और जॉन केव के अंदर चले जाते हैं। इस केव में डाइव करने के बाद ये लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम होता है टी जंक्शन। लेकिन इन लोगों को यहाँ से जल्द ही निकलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत तेजी से आ रहा होता है। वापस आने पर इन लोगों को एक वाटर पंप इंजीनियर मिलता है जो कि वहाँ पर फंसा होता है क्योंकि यहाँ पर पानी भर चुका होता है और ये बहुत डरा हुआ होता है। तो रिक उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाकर इस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन रास्ते में ही ये आदमी हड़बड़ा जाता है जिसकी वजह से इसके सर पर चोट आती है। लेकिन बिल आखिर ये इस केव से बाहर निकल जाता है। जब ये लोग वापस आते हैं तो यहाँ पर इनकी मुलाकात गवर्नर से होती है। तो रिक और जॉन उन्हें कहता है कि वो लोग टी जंक्शन तक पहुंच गए। तो यहीं पर आर्मी के जो जनरल होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि हमारी आर्मी के जवान भी टी जंक्शन तक गए थे। तो ये बात सुन के जो गवर्नर होता है वो उन्हें कहता है कि मेरी इजाजत के बगैर आप लोग अंदर नहीं जाएंगे। और ये बात सुनकर रिक और जॉन थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं। तो वरुण उन्हें कहता है कि अगर उन बच्चों को कुछ हो गया तो इस सब की जिम्मेदारी गवर्नर पे ही आने वाली है और उनकी जॉब ऑलरेडी खतरे में है। इसके बाद यहाँ पर अमेरिकन रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है और यहाँ के गवर्नर उन सभी से मीटिंग करने चले जाते हैं। ये लोग एक कमरे में बैठे होते हैं जहाँ पर रिक और जॉन भी होते हैं। तो गवर्नर ये फैसला करते हैं कि बारिश रुकने तक कोई भी केव के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन रिक और जॉन उन्हें कहते हैं कि हमें बारिश पड़ने से कोई भी मतलब नहीं है जबकि आपके जवानों को खुले पानी में डाइव करने की ट्रेनिंग मिली है और हम पिछले 30 सालों से ऐसे केव्स में लगातार जा रहे हैं और हमें इस चीज का बहुत अच्छे से अनुभव है। लेकिन गवर्नर अपने फैसले पे अटल होता है और वो इन सबको कहता है कि बारिश खत्म होने तक कोई भी केव के अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद यहाँ के गवर्नर उस इंजीनियर के पास जाते हैं जो कि ऊपर पहाड़ी में पानी को डाइवर्ट कर रहा होता है। यहाँ पर इसके साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं। तो ये इंजीनियर गवर्नर को कहता है कि केव के अंदर से पानी निकालने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमें केव के अंदर जाने वाले पानी को रोकना होगा और जो कि ऊपर से जा रहा है और हमने बहुत सारे पानी को डाइवर्ट भी कर लिया है और वो हमारे पास जमा भी है और अब हमें उसे खेतों में छोड़ना होगा। इसके बाद गवर्नर और ये सभी लोग यहाँ के गाँव वालों के पास जाते हैं जिनके की यहाँ पर खेत होते हैं। तो वो इन सबको कहते हैं कि आप सबको पता होगा कि इस गुफा में कुछ बच्चे फंसे हुए हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको बचाया जा सके और हमें जो पानी ऊपर पहाड़ी से इस गुफा के अंदर जा रहा है उसको डाइवर्ट करना होगा और आपके खेतों में छोड़ना होगा। ये जमींदार लोग आपस में डिस्कशन करते हैं और इस बात के लिए मान जाते हैं कि आप हमारे खेतों में पानी छोड़ सकते हो। पानी को खेतों में छोड़ने से इन किसानों का बहुत नुकसान होता लेकिन ये इस बात के लिए मान जाते हैं कि अगर ये चीज करने से 13 बच्चों की जान बच सकती है तो हम इसके लिए राजी हैं। इसके बाद 10 दिन गुजर जाते हैं तो गवर्नर रिक और जॉन को केव में वापस डाइव करने की इजाजत दे देते हैं। इसके बाद रिक और जॉन केव में वापस डाइव करते हैं। इसके बाद रिक और जॉन एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम होता है पटाया बीच। ये इस केव के अंदर ऊंचाई पे एक पॉइंट होता है। ये लोग यहाँ पे चारों तरफ से देखते हैं लेकिन इन्हें यहाँ पर बच्चे नहीं मिलते। इसके बाद रिक और जॉन आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। इस गुफा के अंदर रास्ते बहुत तंग होते हैं और इन्हें आगे जाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जबकि ये एक माहिर डाइवर्स होते हैं और इन्हें ऐसे तंग रास्तों में जाने की सलाहियत होती है तो इस वजह से ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद ये एक बहुत लंबा सफर तय करके एक जगह पर पहुंच जाते हैं और जो इनकी रस्सी होती है, जो लाइन होती है, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। आगे बढ़ने पर ये देखते हैं कि एक टॉर्च की लाइट आ रही है तो रिक जॉन से कहता है कि हमने उन्हें ढूंढ लिया है। इसके बाद ये लोग इनके पास जाते हैं तो रिक बहुत ही हैरान होता है क्योंकि इन लोगों को नहीं पता होता है कि ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे। इन बच्चों के अंदर बहुत हिम्मत होती है, ये बच्चे बहुत बहादुर होते हैं। इसके बाद जॉन अपना कैमरा निकालता है और इन सब की रिकॉर्डिंग करने लगता है। तो रिक उनसे कहता है कि आप लोग कितने हो, तो ये कहते हैं कि हम 13 लोग हैं, मतलब कि 13। Brilliant.
जॉन बहुत खुश होते हैं। तो तभी इन बच्चों में से एक बच्चा कहता है, क्या हम लोग अभी बाहर जा सकते हैं? तो जॉन उनसे कहता है कि नहीं, अभी नहीं, आज नहीं, क्योंकि हम सिर्फ दो है और हम सभी को यहाँ से वापस नहीं ले जा सकते। हम वापस जाएंगे, हम अपने साथ और बंदों को वापस लाएंगे और फिर आपको यहाँ से बाहर निकालेंगे। लेकिन रिक जॉन की बातों से नाराज होता है, क्योंकि रिक एक ऐसा बंदा होता है जो कि पहले सर्कमस्टेंसेस को देखता है, मतलब कि हालात को देखता है, उसके बाद ये अंदाजा लगाता है क्या ये बच्चे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं या नहीं। क्योंकि रिक को पता होता है कि इन बच्चों को यहाँ से बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है। इन बच्चों में से एक बच्चा कहता है कि हम लोग बहुत भूखे हैं। तो जॉन कहता है कि हाँ, मुझे पता है तुम लोग भूखे हो। तो ये बच्चा कहता है कि आप लोग कब वापस आओगे? तो जॉन कहता है कि हम लोग कल वापस आएंगे और हम अपने साथ थाई नेवी के डाइवर्स भी साथ लाएंगे, हम खाना भी साथ लाएंगे और हम डॉक्टर्स को भी साथ लाएंगे। इसके बाद जॉन इन सभी बच्चों की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। तो जॉन उनसे कहता है कि तुम लोग बहुत ही स्ट्रांग हो। तो ये बच्चा कहता है कि हम एक टीम है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं और जो हमारे कोच हैं वो एक बहुत ही बहादुर और अच्छे इंसान है। तो कोच कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि मैंने इन बच्चों को खतरे में डाला है। लेकिन तभी सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं, ये सब झूठ है, कोच ने हमारी मदद की है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं और ये बहुत ही अच्छे कोच हैं। तो ये बच्चा कहता है कि हमारे कोच की वजह से ही हम लोग इतने स्ट्रांग हैं और कोच ने हमें मेडिटेट करना सिखाया है और हम लोग पर प्रार्थना करते हैं। इसके बाद रिक जॉन से कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए। जाने से पहले ये सभी बच्चे इनको थैंक यू बोलते हैं और इसके बाद रिक और जॉन यहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पर ये बच्चे होते हैं उस जगह का नाम होता है चैम्बर और ये एंट्रेंस से 2500 मीटर की दूरी पर होता है। इसके बाद रिक और जॉन केव के बाहर पहुंच जाते हैं। तो जॉन इनसे कहता है कि हमने बच्चों को ढूंढ लिया है और वो इसे कैमरा भी देता है और ये भी कहता है कि वो सब जिंदा है। ये सब सुन के यहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जॉन उन्हें कहता है कि ये वीडियो फुटेज किसी को नहीं दिखाना, सिर्फ अपने लोगों में रखना। ये लोग इस फुटेज को लैपटॉप में चलाते हैं और ये सभी लोग इन बच्चों को देखते हैं और ये सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद आर्मी के जनरल गवर्नर के पास जाते हैं ताकि वो इन्हें ये खबर दे सके। लेकिन तब तक ये खबर यहाँ पर सब लोग सुन चुके थे। तो कैप्टन गवर्नर से कहता है कि उन्होंने बच्चों को ढूंढ लिया है और वो सब जिंदा है और इसी के साथ यहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं। इन सभी के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ने लगती है। ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं और जो यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं उनकी आंखों में बहुत आंसू होते हैं क्योंकि ये लोग अपने बच्चों को जिंदा देखकर यकीन नहीं कर पाते। और इसके बाद रिक और जॉन केव से बाहर आते हैं और सभी लोग उनके लिए चीयर्स करते हैं। क्योंकि रिक और जॉन वो पहले दो शख्स थे जिन लोगों ने इन बच्चों के जिंदा होने की खबर दुनिया तक पहुंचाई थी। यहाँ पर पूरी दुनिया के रिपोर्टर्स आए होते हैं और रिक और जॉन को बड़ी मुश्किल से ही यहाँ से ले जाकर अपने कमरे तक पहुँचाया जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इनसे मिलने के लिए उतावले हो रहे होते हैं। इसके बाद वो फुटेज सारे न्यूज चैनल्स में दौड़ने लगती है और ये देखकर सभी पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। इसके बाद यहाँ के गवर्नर रिक और जॉन के पास जाते हैं। तो जो अमेरिकन रेस्क्यू ऑपरेशंस की एक ऑफिसर होती है वो इन्हें कहती है कि बाहर सभी रिपोर्टर्स तुम लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए वेट कर रही है। तो रिक उन्हें कहता है कि मैं उनसे क्या कहूँ, हमने बच्चों को ढूंढ निकाला और अब तुम उन्हें मरते हुए देख लो। तो रिक उन्हें कहता है कि ये जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम इन बड़े बड़े पंप से पानी को बाहर निकाल रहे हो, ये सब कुछ बेकार है और मैं इस सब से तंग आ चुका हूँ क्योंकि तुम लोग कभी प्रैक्टिकल सोचते ही नहीं। रिक एक प्रैक्टिकल बंदा होता है, उसे पता होता है कि बच्चे इस केव से बाहर कभी नहीं आ सकते। तो ये लेडी इनसे कहती है कि थाई सील्स कल इस केव के अंदर जा रहे हैं। तो तभी रिक कहता है कि ये बच्चे कभी बाहर नहीं आएंगे। तो गवर्नर उन्हें कहता है कि हमारी नेवी की सील्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। तो रिक उनसे कहता है कि मैं डाइवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम पहली बार इस केव के अंदर गए थे तो हमें थोड़ी दूरी पर एक वाटर पंपिंग मैन मिला था, उसको बाहर निकालने में हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि बाहर निकलते समय उसने अपने सिर को भी जख्मी किया था और वो मुश्किल से ही बच पाया था। वो पूरी तरह से डर गया था और वो डूबने ही वाला था अगर मैं उसे नहीं बचाता, और जिस जगह से मैंने उसे बाहर निकाला था वो केवल ही कुछ ही मीटर्स का था। और तुम ये कह रहे हो कि मैं उन बच्चों को इतने लंबे रास्ते से बाहर निकालूं, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बाहर निकाल सकते हो लेकिन सिर्फ डेड बॉडी। No, sir, it's not about your divers. We brought a man out on our first dive
But he completely panicked. Almost drowned. क्योंकि 12 से 16 साल के बच्चे होते हैं, इनको ना तो कोई डाइविंग का एक्सपीरियंस होता है और ना ही ये कभी ऐसे केव्स में गए होते हैं और ना ही इन बच्चों को इस चीज का एक्सपीरियंस होता है। तो जीते जी ये बच्चे इस केव से कभी बाहर नहीं आ सकते और अगर आएंगी तो सिर्फ उनकी लाशें। और ये बात सच होती है, रिक इनको एक कड़वी सच्चाई बता रहा है। इसके बाद गवर्नर रिक और जॉन भी इस कमरे से बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ से बच्चों को दिखाया जाता है जो कि उस केव में सो रहे होते हैं। तभी इन बच्चों में से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। कोच रोने की आवाज सुनकर उस बच्चे के पास जाता है। ये बच्चा इन सभी बच्चों में से सबसे छोटा होता है और उसे ये डर होता है कि क्या हम कभी इस केव से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। ये बच्चा डरा हुआ होता है और इसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। ये बच्चे यहाँ पर 11 दिन से फंसे हुए होते हैं और पिछले 11 दिनों से ये बच्चे भूखे होते हैं। इस केव में बहुत पानी होता है लेकिन ये पानी ये बच्चे नहीं पी सकते, लेकिन जो पानी ऊपर पत्थरों से टपक रहा होता है इनका कोच इन्हें वो पानी पीने के लिए कहता है और इसी पानी के जरिए ये अब तक सर्वाइव कर पाते हैं। एक एडल्ट मैन खाने के बगैर कुछ हफ्तों तक जिंदा रह सकता है लेकिन पानी के बगैर 4 दिन भी जिंदा नहीं रह सकता और ये तो बच्चे होते हैं। इन बच्चों की हिम्मत और इनके कोच की कड़ी मेहनत ने इनको अभी तक जिंदा रखा। अगर इस केव में इनके साथ इनका कोच नहीं होता तो ये बच्चे कब के मर चुके होते। इनके कोच ने इनको शांत रहना सिखाया, मेडिटेशन करनी सिखाई और सबसे ज्यादा जरूरी इनको प्रेयर करना भी सिखाया था। ऐसी जगहों पर इंसान का दिमाग हेलुसिनेट करने लगता है, दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं और जबकि यहाँ पर काफी अंधेरा था, ये बच्चे एक दूसरे का हाथ भी नहीं देख पा रहे थे, इनके दिमाग में ऐसी हेलुसिनेशन पैदा होना एक आम बात थी। और दूसरी तरफ से रिक और जॉन जो कि थाई नेवी सील्स के जवान होते हैं उनको इस केव के बारे में बताते हैं क्योंकि वो लोग अब अंदर जा रहे होते हैं ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। इसके बाद रिक बताता है कि तुम्हें टी जंक्शन से आगे 250 मीटर तक का रास्ता पार करना होगा और ये रास्ता बहुत ही पतला है, इतना पतला कि इंसान के एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक। इसके बाद हमें वहां से निकलकर अपने सामान को अपने कंधे पर लादकर पटाया बीच तक चलकर जाना होगा और पटाया बीच के बाद एक बहुत मुश्किल रास्ता आता है। पटाया बीच से निकलने के बाद वहां पर एक टनल आती है जो कि बहुत ही टेढ़ी है और जैसा इस मैप पे दिखाया है वो इससे भी कई ज्यादा टेढ़ी है और उस टनल में पूरा अंधेरा है, मतलब कि आगे का रास्ता दिखाई नहीं देगा और उसमें पानी का बहाव भी बहुत ही तेज है, मतलब तुम्हें सर उठाने की जगह भी नहीं मिलेगी और जो इस रास्ते के जो कट्स हैं वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है और उसके आखिर में हम लोग इन बच्चों के पास पहुंच जाएंगे। तो जॉन कहता है कि ये बहुत ही फिजिकल डाइव है, तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा और जो तुम्हारी ऑक्सीजन टैंक्स है उनमें फुल एयर भरना होगा ताकि अगर हम अंदर जाए तो वहां से बाहर भी आ सके। इसके बाद यहाँ से निकलते हैं और अंदर जाने की तैयारी करते हैं। इसके बाद ये इस केव में आगे बढ़ रहे होते हैं और ये मडी टनल के बीच से गुजर रहे होते हैं जो कि 1150 मीटर दूर होती है एंट्रेंस से और ये ऑलरेडी 3 घंटों से इस केव में तैर रहे होते हैं। इसके बाद आती है लॉन्ग शैलो टनल जो कि 2300 मीटर दूर होती है एंट्रेंस से और यहां तक इन्हें पहुंचने में 7.5 घंटों का वक्त लग जाता है। इसके बाद ये इन बॉयज के पास पहुंच जाते हैं। ये बच्चे इनको देखकर बहुत खुश होते हैं और उनको ग्रीट करते हैं। इसके बाद एक थाइनेवी का सोल्जर उन्हें कुछ खाना देता है और कुछ बैटरीज मतलब कि टॉर्च देता है। इनके साथ एक डॉक्टर भी होता है और वो एक एक करके इन बच्चों का ट्रीटमेंट करने लगता है। इस थाई नेवी का एक सोल्जर अपने दूसरे पार्टनर को दिखाता है कि इस केव में ऑक्सीजन लेवल 20% से भी कम है और इस लेवल की ऑक्सीजन में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। इन आर्मी जवान की जो ऑक्सीजन टैंक्स होती है उनमें ऑक्सीजन कम पड़ गया होता है और वो डिसाइड करते हैं कि हम कुछ बंदे यहाँ पर रुकेंगे जबकि बाकी लोग ये सारी ऑक्सीजन टैंक्स इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर चले जाएंगे और ये एक अच्छा डिसीजन होता है। इसके बाद ये सभी डाइवर्स इस केव से बाहर आते हैं। दूसरी तरफ से गवर्नर सभी लोगों को एड्रेस करता है, जो भी यहाँ पर बच्चों के पेरेंट्स होते हैं और बाकी लोग होते हैं उनको कहता है हमारे नेवी के जवान इन बच्चों तक पहुँच गए हैं और वो उनके साथ वहाँ पर रहेंगे और हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने सबको अपनी जबान दी है कि मैं सभी बच्चों को सही सलामत इस केव से बाहर निकालूंगा। दूसरी तरफ से रिक और जॉन यहीं पे बैठे होते हैं तो जॉन उसे कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो रिक कहता है कि मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई आइडिया नहीं होता है कि हम इन बच्चों को यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे। तो रिक कहता है कि हम हैरी को बुलाएंगे। हैरी एक डॉक्टर होता है और वो एक केव डाइवर भी होता है। इन दोनों को पता होता है कि हम क्या बात कर रहे हैं और उसका रिस्क बहुत ज्यादा है और चांसेस बहुत ही कम है। थाई गवर्नमेंट के पास कोई आइडिया नहीं होता है कि हम इन बच्चों को वहां से कैसे निकाले, लेकिन रिक और जॉन ये एक अनुभवी डाइवर्स होते हैं और इनको पता होता है कि ऐसी सिचुएशन
सिचुएशंस में किस तरह से डील करना होता है, लेकिन ये जो आइडिया आता है इनके दिमाग में, ये इस बात पे श्योर नहीं होते हैं, इनको भरोसा नहीं होता है कि ये काम करेगा या नहीं। इसके बाद डे 14 आता है और सभी डाइवर्स अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अब इन बच्चों के पास खाना पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बच्चे पिछले 14 दिन से भूखे होते हैं। इसके बाद ये सभी डाइवर्स केव में बढ़ते हैं और बिल आखिर ये इन बच्चों तक पहुंच जाते हैं और इनको खाना देते हैं। खाना देखकर ये सभी बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। इन सभी बच्चों के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को लेटर्स लिखी होती हैं और जो इनके साथ कोच होता है उसको भी लेटर लिखी होती है। तो ये कोच बहुत हैरान होता है जब देखता है कि इनके पेरेंट्स ने इस कोच का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि कोच ने इन सभी बच्चों का ख्याल रखा, देखभाल की। कोच बहुत डर चुका होता है क्योंकि उसे लगता है कि इन सभी बच्चों के पेरेंट्स मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे। इसके बाद ये सभी डाइवर्स वहाँ से निकल कर बाहर आते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद जब ये शाम को अपने कमरे के बाहर बैठे होते हैं तो तभी यहाँ पर डॉक्टर हैरी पहुँच जाते हैं। ये वही होता है जिसके बारे में रिक ने जॉन को बताया होता है। इसके बाद रिक और जॉन हैरी को इस केव के अंदर ले जाते हैं और दिखाते हैं कि बच्चे किस रास्ते से अंदर गए। तो हैरी उसे बताता है कि इनको यहाँ से बाहर कैसे निकालो। तो रिक कहता है कि तुम्हारे पास एक ऐसा हुनर है जो हम में से किसी के पास नहीं। तो हैरी समझ जाता है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हैरी का चेहरा पूरा सुन्न पड़ जाता है जब वो ये बात सुनता है कि रिक उसे ऐसा करने को बोल रहा है। हैरी पूरी तरह से मना कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि इस चीज के कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन रिक कहता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं। तो हैरी कहता है कि ये पूरी तरह से नामुमकिन है और ये गैर कानूनी भी है और ये किसी भी तरह से काम नहीं करेगा। तो रिक कहता है कि वो ऐसे भी वहाँ पर मरने वाले हैं। हैरी पूरी तरह से मना कर देता है क्योंकि उससे पता होता है कि ये कितना डेंजरस है। इसके बाद यहाँ पर 15 दिन इन्हें गुजर जाते हैं और सभी केव डाइवर्स अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब ये अंदर जा रहे होते हैं तो इन डाइवर्स में से एक डाइवर एक रास्ते से गुजरा होता है जिसका नाम होता है स्टैलेक्टाइट टनल। ये टनल लाइमस्टोन के नोकीले पत्थरों से बनी होती है। तो इस टनल से गुजरते वक्त जो यहाँ पे लाइन होती है, जो कि रास्ता होती है, उस ऑक्सीजन टैंक में ये लाइन, ये रस्सी फंस जाती है और इसके आसपास कोई भी इसका साथी नहीं होता है क्योंकि वो सब आगे बढ़ गए होते हैं। ये डाइवर यहाँ पर पूरी तरह से फंस जाता है तो तभी ये अपने ऑक्सीजन टैंक बाहर निकाल देता है, रस्सी को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो इस ऑक्सीजन टैंक की पाइप होती है वो एक पत्थर में फंस जाती है और उसमें से सारा ऑक्सीजन बाहर निकलने लगता है। अपनी तरफ से उस पाइप को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नाकाम होता है। किसी तरह से ये पाइप बाहर निकालता है लेकिन इस टैंक में तब तक पानी पूरी तरह से भर चुका होता है और इसमें से सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया है। ये दूसरी ऑक्सीजन टैंक इस्तेमाल करता है लेकिन उसमें भी ऑलरेडी ऑक्सीजन खत्म हो चुका होता है, लेकिन ये कुछ हद तक आगे बढ़ पाता है। इसके हाथ में बहुत सामान होता है लेकिन तभी इस वाली ऑक्सीजन टैंक में भी ऑक्सीजन खत्म होता है। धीरे धीरे इसको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से और इसी के साथ इसकी मौत हो जाती है। ये इस टनल रेस्क्यू में एक वाहिद मौत थी जो कि एक रिटायर्ड नेवी सील की हुई थी और इसका नाम था सामान कुनान। The recent death of Thai Navy SEAL Saman Gunan is reminding everyone of just how incredible. इसके बाद इसकी बॉडी को बाहर निकाला जाता है और सभी सोल्जर्स और कर्मचारी जो भी यहाँ पर होते हैं वो इसकी मौत पर बहुत ही गमशुदा होते हैं। 13 बच्चों को बचाते बचाते इस जवान ने अपनी जान दे दी। इसके बाद यहाँ की गवर्नर सभी डाइवर्स को अंदर जाने से मना कर देती है कुछ टाइम के लिए। इसके बाद रिक हैरी से मिलता है तो हैरी उसे बताता है कि अगर हमने वो प्रोसीजर इन बच्चों पे किया तो हम बड़े किस्मत वाले होंगे अगर हम मुश्किल से 2 या 3 बच्चों को इस गुफा से बाहर निकाल सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो हैरी उसे कहता है कि अगर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करें तो इस चीज के बहुत चांसेस है कि ये बच्चे रास्ते में दम घुटने की वजह से इनकी मौत हो जाए, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रोफेशनल डाइवर की मौत हो चुकी है और उसके मुकाबले ये तो अभी बच्चे हैं, जबकि वो एक प्रोफेशनल डाइवर था, उसे इस चीज की ट्रेनिंग थी। तो जॉन कहता है कि अगर हम कोशिश करें तो हो सकता है हम उन बच्चों को सही सलामत वहां से बाहर निकाले, लेकिन अगर हम कोशिश ना करें तो इस चीज के पूरे चांसेस है कि वो बच्चे वहीं पे मर जाएंगे, तो कुछ ना करने से बेहतर है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। इसके बाद ये सभी लोग एक कमरे में मीटिंग करते हैं। इस कमरे में बहुत ही कम लोग होते हैं तो हैरी उन्हें बताता है कि हम इन बच्चों को सेडेशन मोड में डालकर वहां से बाहर निकाल सकते हैं। तो गवर्नर कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो हैरी कहता है कि हम उनको फुल्ली अनकॉन्शियस करेंगे और एक वाहिद रास्ता होता है जिससे हम इन बच्चों को वहां से बाहर निकालेंगे। तो रिक कहता है कि इन बच्चों को पूरी तरह से स्ट्रेट रहना होगा ताकि हम उनको पानी में तैरा सके। असल में ये प्लान होता है कि हम इन बच्चों को एनेस्थीसिया देकर पूरी तरह से अनकॉन्शियस कर सके। तो ये इन बच्चों को अनकॉन्शियस करके इस गुफा से बाहर निकालना चाहते हैं। ये इन बच्चों को एनेस्थीसिया के इंजेक्शन देकर उन्हें एक स्विमिंग सूट पहनाकर एक ऑक्सीजन मास्क पहनाकर फुल्ली अनकॉन्शियस करके इस गुफा से बाहर निकाल सकते हैं। तो गवर्नर उसे कहता है कि ये प्रोसीजर कितना सेफ है। तो हैरी कहता है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता।
क्योंकि मैंने इससे पहले ये कभी नहीं किया है और जहाँ तक मेरा ख्याल है किसी ने भी इस तरह का प्रोसीजर आज तक नहीं किया। तो हैरी कहता है कि थ्योरीज के हिसाब से ये काम करना चाहिए, तो हम इन बच्चों को उतना दे सकते हैं जिससे इनका रेस्पिरेशन सिस्टम बंद हो जाए। और इतना कम भी नहीं दे सकते जिस वजह से वो बीच रास्ते में पानी में जाग जाए, तो हमें इस चीज का पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। तो गवर्नर कहता है कि तो तुम्हें पता है कि इस चीज में इन बच्चों की जान जा सकती है। So you are expecting casualties? Yes, I expect casualties. तो हैरी कहता है कि हाँ जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर मिनिस्टर आते हैं और कहते हैं कि हमें इस ऑपरेशन को अब स्टार्ट करना होगा। उन्होंने दुआ देता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग कामयाब होंगे। May you be successful. इसके बाद गवर्नर कहता है कि किसी को भी इस चीज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना, और अगर हम इस चीज में नाकाम हुए तो मैं सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगा। No one must know, not even the parents. And if we fail, the failure is mine alone. इसके बाद यहाँ से सभी रिपोर्टर्स और जो भी बाकी लोग होते हैं उन सभी को यहाँ से निकाल दिया जाता है। यहाँ से जाने से पहले इन बच्चों में से एक बच्चे की पेरेंट, जो कि वो अकेली औरत होती है जिसका बच्चा इस केव में फंसा होता है, जो कि सबसे छोटा वाला बच्चा होता है इस केव में, उसकी माँ जॉन को कुछ ब्रेसलेट्स देती है फॉर द गुड लक। इसके बाद ये सभी लोग तैयारी करते हैं और अपने साथ एनेस्थीसिया के इंजेक्शन और बाकी सामान पैक करते हैं। बाहर से सभी पेरेंट्स इनके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं और अंदर गुफा में सभी बच्चे इस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। के बाद सभी डाइवर्स एक एक करके इस गुफा में चले जाते हैं। इसके बाद ये सभी डाइवर्स इन बच्चों तक पहुँच जाते हैं। तो जॉन यहाँ पर इन्हें कहता है कि हम आज 4 बच्चों को यहाँ से ले जाएंगे। तो इन बच्चों में हड़बड़ी मच जाती है कि मैं पहले जाऊंगा। इसके बाद इनके कोच कुछ बच्चों को उठाते हैं और सबसे पहले वो उस छोटे वाले बच्चे को उठाते हैं। तो जॉन इस बच्चे को मास्क पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो मास्क होता है ये इस बच्चे के फेस से बड़ा होता है, और अगर मास्क बड़ा है तो बहुत चांसेस है कि इस मास्क के साइड से जो गैप रहेगी वहाँ से पानी अंदर जा सकता है। तो ये इस बच्चे को वहाँ यहीं पे छोड़ देते हैं और बाकी 4 बच्चों को ले जाते हैं। ये एक एक करके सभी बच्चों को डाइविंग सूट पहना देते हैं और डॉक्टर हैरी इन बच्चों को एक एक करके एनेस्थीसिया देने लगते हैं। सभी बच्चे बहुत डरे होते हैं और इन्हें पता नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इन बच्चों के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और इन्हें स्कूबा डाइविंग गियर पहना कर पानी में डाला जाता है। ये इस बच्चे को चेक करते हैं ताकि ये सांस ले सके या नहीं, लेकिन ये बच्चा पानी में अच्छे से सांस ले पा रहा होता है। और इसके बाद इन बच्चों को एक एक करके यहाँ से बाहर निकाला जाता है। इन बच्चों में से एक बच्चा पानी में जाग जाता है, अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। तो जो उसका डाइवर होता है, जो उसके साथ होता है, वो ये देख लेता है और वो जल्दी से अपना एनेस्थीसिया का इंजेक्शन निकाल के उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा देता है। इन बच्चों को यहाँ से निकालने में इन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये सभी डाइवर्स इन बच्चों को बार बार देख रहे होते हैं और ये भी चेक कर रहे होते हैं कि ये सांस ले रहे हैं या नहीं। और इसके बाद इन बच्चों में से एक बच्चे को यहाँ से बाहर निकाला जाता है और इस बच्चे को बाहर निकालने में इन्हें 5.5 घंटे का वक्त लगा है। एक एक करके इन सभी बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला जाता है और इन्हें ऑक्सीजन मास्क पहना कर यहाँ से एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। आज उन्होंने 4 बच्चे यहाँ से निकाले और इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। यहाँ पे सभी पेरेंट्स बहुत चिंतित होते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि कौन सा बच्चा बाहर आया है। सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। इन बच्चों को एक एक करके बाहर निकाला जाता है और कहीं ना कहीं ये आइडिया काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, जबकि ये बहुत ही रिस्की होता है। और इस पूरे प्रोसेस में सभी डाइवर्स अपने साथ ले जाने वाले बच्चे को पूरी जिम्मेदारी से उसको देख रहा होता है। इसके बाद सभी डाइवर्स बाहर आते हैं और ये बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि इनका पहला पड़ाव बिना किसी नुकसान के सफल हुआ था। दूसरे दिन ये फिर से उस गुफा में जाते हैं और दोबारा से कुछ बच्चों को सेडेट करके एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देके यहाँ से बाहर निकाला जाता है। सभी बच्चों को एक एक करके बड़े ही सावधानी से इस टनल से बाहर निकाला जाता है। दूसरी तरफ से बाहर सभी पेरेंट्स बहुत ही चिंतित होते हैं। इन बच्चों को यहाँ से निकाल कर सीधा एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। इसके बाद शाम को ये सभी एक जगह बैठे होते हैं और इनके पास वो पार्सल आता है जिसमें कि उस बच्चे का मास्क होता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है। और इसी रात को यहाँ पर बारिश फिर से शुरू होने लगती है और अगले दिन इन्हें यहाँ पर 18 दिन हो चुके होते हैं। जब रिक और जॉन और बाकी लोग इस गुफा में जाते हैं तो वो देखते हैं कि इस गुफा में दोबारा से पानी भर रहा है।
क्योंकि बारिश बहुत जोर से गिर रही होती है और ये बहुत ही चिंतित होते हैं। ये सभी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं और अंदर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि इस टनल में फिर से पानी वापस जा रहा होता है और करंट पानी का जो बहाव होता है वो बहुत ही तेज हो रहा होता है और उस सिचुएशन में बच्चों को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन ये फिर भी अंदर जाते हैं और कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इनको बाहर निकालना होगा, हमें फुर्ती से काम करना होगा। इसके बाद ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पे इनसे कहते हैं कि आज हम सब लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि गुफा में बहुत तेजी से पानी जा रहा होता है और जो यहाँ का वेदर होता है वो अगले एक हफ्ते तक लगातार खराब होता है। मतलब कि इस एक हफ्ते में 24 घंटे बारिश होगी और ये सभी डाइवर्स इस चिंता में होते हैं कि अगर हमने जल्द से जल्द सभी बच्चों को बाहर नहीं निकाला तो इस टनल में पानी भरने की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। तो जॉन कहता है कि हमें जल्द से जल्द काम करना होगा। इसके बाद वो छोटा वाला मास्क निकालकर उस बच्चे को पहनाने लगते हैं जो कि सबसे पहले यहाँ से जाने वाला था। इसके बाद उसे मास्क पहनाया जाता है, उसे अनकॉन्शियस किया जाता है, उसके हाथ पैर बांधकर एक एक करके इन सभी बच्चों को यहाँ से निकालने की तैयारी शुरू होती है। इसके बाद सभी डाइवर्स एक एक करके सभी बच्चों को यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं और जो यहाँ पे नेवी के सील्स होते हैं वो आखिर में यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से निकलने के वक्त जब हैरी स्टैलेक्टाइट टनल से निकल रहा होता है तभी उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो धीरे धीरे डूबने लगता है, क्योंकि उसके हाथ में बहुत वजन होता है, वो बच्चे को छोड़ नहीं सकता और वो धीरे धीरे डूबने लगता है। लेकिन वो किसी तरह से इस पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो इसमें सफल भी हो जाता है। इन सभी डाइवर्स को इन बच्चों को निकालने में बहुत ही मेहनत लगती है और ये बहुत ही बहादुरी का काम होता है। ये सभी डाइवर्स अनुभवी होते हैं लेकिन इस तरह का टास्क उन्होंने आज तक नहीं किया होता है और वो सभी घबराए होते हैं। ये सभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द इस गुफा से बाहर निकला जा सके, क्योंकि पानी बहुत तेजी से अंदर आ रहा था। इसके बाद इन बच्चों को एक एक करके यहाँ से बाहर निकाला जाता है और एक एक करके ये टनल के एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं। इन डाइवर्स में से एक डाइवर जिसके हाथ से वो रस्सी छूट गई थी वो बहुत ही घबराया होता है और वो यहीं पे रास्ते में रुका होता है। वो आगे बढ़ने से डर रहा होता है क्योंकि इसे नहीं पता होता है कि मैं कहां से निकलूं। उसके साथ जो बच्चा होता है वो ठीक होता है, लेकिन तभी यहां पे हैरी आते हैं और इस बच्चे को फिर से एनेस्थीसिया देकर क्रिस से कहता है कि मैं इसे यहां से बाहर निकालूंगा। इसके बाद ये दोनों यहां से निकल जाते हैं। इस टनल में पानी का करंट बहुत तेज होता है, पानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और अभी भी कुछ डाइवर्स पीछे होते हैं। रास्ते में इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो गुफा का रास्ता होता है वो धीरे धीरे धस रहा होता है, मतलब कि उसके पत्थर गिर रहे होते हैं और पानी का करंट पानी का बहाव बहुत ही तेज होता है। लेकिन आखिर में वो सभी लोग वहां से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद सभी डाइवर्स एक साथ बाहर आते हैं और सभी लोग इन डाइवर्स का तालियों से स्वागत करते हैं। वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन लोगों ने एक ऐसा काम किया होता है जो कि आज तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया होता है। ये एक ऐसा काम होता है जो कि पूरी तरह से इम्पॉसिबल होता है। सभी लोग बहुत इमोशनल होते हैं। यहाँ से निकलने के बाद ये तीनों डाइवर्स अपने कमरे में जाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि इन लोगों ने एक इम्पॉसिबल टास्क को कंप्लीट किया होता है। इसके बाद यहाँ के गवर्नर पूरे मीडिया को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि तुम सभी लोग अलग अलग जगहों से आए हो और बाकी लोग दुनिया के कई मुल्कों से यहाँ पर आए हैं और तुम लोगों ने अपना कीमती समय, अपनी जरूरत की चीजें और जबकि दूसरों ने अपनी फसलें भी दी। और ये बात उन्होंने उन किसानों को कही जिन किसानों ने इस ऑपरेशन के दौरान नुकसान उठाया था और तुम लोगों ने हमसे बदले में कुछ नहीं मांगा और मुझे पता है कि तुम लोगों ने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम सब लोग उन बच्चों से मोहब्बत करते हो। दूसरी तरफ से रिक जॉन बाहर निकलते हैं और सभी पेरेंट्स उनका शुक्रिया करते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, सभी पेरेंट्स उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और इसके बाद रिक हैरी से मिलता है और कहता है कि हमने ये कर दिखाया। इसके बाद यहाँ पर सभी लोग अपना सामान उठाकर यहाँ से निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ से रिक और जॉन भी अपने घर पहुँच जाते हैं और दूसरी तरफ से सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ मिलने की इजाजत दी जाती है और सभी पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और वो अपने बच्चों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि वे लोग अपने बच्चों को बहुत समय से नहीं देखा होता है। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।